हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड, मैं आज मेरा जो गंधराज का पौधा है वो डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। देखिए, इसमें नए नए पत्ते आए हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं। देखिए, सब जगह नई नई फुटान निकली है, देख रहे हैं आप। देखिए तो फ्रेंड, अभी ये डोरमेंसी से बाहर आ रहा है तो इसे अच्छी गुड़ाई करके देखिए, सर सब जगह नई नई फुटान निकली है, छोटी छोटी दिख रही है अभी, क्योंकि अभी फरवरी है, यहाँ तो एक फ्लावर बनने वाला है। देखिए तो फ्रेंड, अब मैं इसे गुड़ाई करके अच्छे से खाद दे दूंगी। मैं इसमें लगाया है, ये देखिए, इसमें लगाया है मैंने, ऑयल का कंटेनर है, उसमें एक कोलियस भी लगा हुआ है फ्रेंड। देखिए, कोलियस के भी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है कोलियस इसके साथ। तो फ्रेंड, इसमें जो सूखी सूखी डालियाँ थी वो मैंने काट दी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थोड़ी बड़ी डाली भी सूख गई थी। तो अब इसका सीजन आ रहा है फ्रेंड, गर्मियों का, तो इसे हमें तैयार करना है सीजन के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर आए और हेल्दी हेल्दी सूट निकाले, अच्छे अच्छे नई नई। देखिए, इसमें आ तो गई है, पर मैं खाद दे दूंगी तो और अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए, छोटी छोटी दिख रही है ना, सब जगह दिख रही है छोटी छोटी, इसमें भी दिख रही है। देखिए देखिए, ये नए नए पत्ते आए हैं छोटे छोटे। देखिए, यहाँ भी एक नई पत्ता है, यहाँ भी है, यहाँ तो एक फ्लावर बनने वाला है, कली बनी है, क्योंकि अब इसका सीजन आएगा। तो फ्रेंड, अच्छे से गुड़ाई करके इसे खाद देना है। तो खाद मैंने इसमें फ्रेंड वर्मी कंपोस्ट लिया है और नीम खली ली है, बोन मील लिया है, साफ पाउडर डाला है, ये सब डाल के मैं राख डालूंगी। थोड़ी राख नहीं डाली इसमें, थोड़ी राख डाल दूंगी और चिट्टियों का पाउडर डाल दूंगी, साफ पाउडर भी डाल दूंगी। थोड़ा डाला है साफ पाउडर, पर मैंने मिक्स करके रखा था, यही है खाद, तो इसमें मैं देने वाली हूँ फ्रेंड। देखिए, मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है। ये डब्बा इतने गहरा है ना फ्रेंड, तो डिब्बा तो जल्दी अच्छे से गुड़ाई नहीं हो पा रही है, पर भी गीला है अंदर, तो हो गया है, अच्छे से गुड़ाई कर दी है। तो मैं इसमें अच्छे से खाद दे दूंगी, क्योंकि अभी ये नींद से जागे हैं फ्रेंड। हमारे पौधे जो डोरमेंसी में थे, रेस्ट पे थे, तो अभी नींद से जागे हैं, तो अभी अच्छी खाद इसे चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, अच्छे से पानी चाहिए, इसकी अच्छी केयर करेंगे। जागे हैं तो अब चाहिए ना इसे खाना पीना सब अच्छा। देखिए तो अच्छी अच्छी खाद देंगे इसे, अच्छी अच्छी केयर करेंगे ठीक से, तो गर्मियों में बहुत सारे अच्छे से फ्लावर आएंगे। इसमें फ्लावर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड, आप सबको पता है, और इतनी अच्छी खुशबू आती है बिनी बिनी कि गार्डन में एक फ्लावर खिला हो ना तो पूरा गार्डन महक जाता है, इतना अच्छा होता है। तो फ्रेंड, अभी मैं यही काम करूँगी, क्योंकि अब सब डोरमेंसी में से बाहर निकलने लगे हैं फ्रेंड। तो जो भी डोरमेंसी में चले गए थे उन सब पौधों की हमें केयर करनी है, अच्छे से गुड़ाई करके खाद देनी है। तो उसका जो रूट बाउंड हो गया उसे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं फरवरी में, अच्छे से खाद देकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और अच्छे से खाद देंगे तो गर्मियों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड, बस मैं यही काम कर रही हूँ, तो आप भी ये करिए। ये गंधराज का पौधा है फ्रेंड, मेरा ये मदर प्लांट है, इसमें से एक मैंने कटिंग लगाया था, तो वो नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर में मैंने लगाया है गमले में, वो भी अच्छे से तैयार हो गया है, उसे भी मुझे खाद देनी है, क्योंकि वो भी डोरमेंसी में थे। सब डोरमेंसी वाले पौधे अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, जाग रहे हैं नींद से, तो इसे भूख लगी है, 3-4 महीने से खाया नहीं है कुछ, तो अभी अच्छे से इसे खाना देंगे, अच्छे से पानी देंगे और गुड़ाई करेंगे, तो इसको अच्छी हवा मिल जाएगी, तो अच्छे से ग्रोथ करेगा फ्रेंड। तो हम सब यही काम करेंगे, अभी गार्डन में बहुत सारा काम निकला है, क्योंकि अभी जो परमानेंट पौधे थे वो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, तो गार्डन में रोज ना रोज कोई ना कोई काम तो हमें रहता ही है, क्योंकि हमारे गार्डन में इतने सारे फ्लावर, इतने सारे गमले हमने बना लिए हैं, तो एक साथ तो सब में काम नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करती हूँ।
तो रोज एक एक गमला लेती हूँ फ्रेंड, देखती हूँ किसमें जल्दी जरूरत है तो इसमें मैं पहले लेती हूँ, ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं हो तो मैं बाद में लेती हूँ। अब इसे ज़रूरत है फ्रेंड, क्योंकि इसमें इसने नई नई पत्तियाँ निकाल दी है, देखिए यहाँ ये कली बन रही है, तो इसे जल्दी ज़रूरत है खाद की, अच्छे खाद की, अच्छे खुराक की। देखिए यहाँ भी एक कली बन रही है, तो इसे मैं जल्दी दे दूँ ताकि ये जल्दी अपनी ग्रोथ शुरू कर दे। उसे एनर्जी चाहिए फ्रेंड अच्छी ग्रोथ करने के लिए, अच्छे फ्लावर बनाने के लिए, नई नई सूट निकालने के लिए अच्छी खुराक चाहिए, तभी कर पाएंगे अच्छे से ग्रोथ। तो फ्रेंड मैं अभी यही काम कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें राख डाल दी है। राख फ्रेंड बहुत ही अच्छा रहता है हमारे पौधों के लिए, मैं सब पौधों में डालती हूँ। फिर फॉस्फोरस मिलता है राख से, जिंक मिलता है, और ये फंगीसाइड का भी काम करता है फ्रेंड। राख ना हो तो आप हल्दी डाल सकते हैं, मैं तो ये राख सब में डालती हूँ। मैं होली आती है तब मैं लाती हूँ फ्रेंड, पूरा साल चलता है मेरे यहाँ राख, एक डिब्बा भर के मैं रख देती हूँ, होली के दूसरे दिन मैं राख ले आती हूँ फ्रेंड, तो पूरी साल मेरा एक डिब्बा भर के रख देती हूँ तो पूरा साल चलता है। सब पौधों में, गुलाब में, सब में ये राख दे दीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी रहती है। अब मैं इसमें पाउडर डाला है, राख डाला है, बोन मिल डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, तो और इसे दे दूंगी तो अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। ये बहुत टाइम हो गया फ्रेंड मेरे पास, 5-6 साल से है, मदर प्लांट है ये। तो अभी मैं एक बार इसे रिपोर्टिंग किया था फ्रेंड, इसका जो ये केन है ना टूट गया था, क्योंकि ये तो टिन का आता है ना तो पानी से सड़ जाता है जंग लगकर, तो मैंने एक बार रिपोर्ट किया था। और नीचे मेरा है जो, वो तो मेरे गमले में रखा है मैंने ये प्लांट को, गंदराज के पौधे को मैंने नीचे तो गमले में रखा है, पर इसमें मैंने ऊपर मैंने डिब्बे में रखा है ताकि इसे अच्छी ग्रोथ, अच्छी जगह मिले तो अच्छा अच्छी ग्रोथ करेगा इसलिए। तो फिर अभी मैं यही कर रही हूँ, राख जरूर डालिए फ्रेंड इसमें, देखिए मैं दे रही हूँ, एक मुट्ठी राख डाली है फ्रेंड, राख बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारे यहाँ होली होती है ना फ्रेंड, तो उपले की होती है, थोड़े बहुत बीच में लकड़ियाँ रखते हैं, पर उपले की होती है होली, होली पूरी, तो उपले की या लकड़ी की राख बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड। चूल्हा तो हमारे यहाँ आसपास में कोई नहीं लगाते, तो चूल्हे से तो चूल्हे की राख तो मुझे मिलेगी नहीं, गांव में जाऊँ तो मिल जाएगी, पर गांव में कहाँ जाऊँ मैं तो हर साल होली की ले लेती हूँ, बहुत अच्छी काम आती है मेरे, और मेरे पौधे इससे तंदुरुस्त रहते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे। देखिए मैंने एक खाद डाल दिया है अच्छे से, और मिट्टी गीली है फ्रेंड थोड़ी, तो मैं पानी नहीं डालूँगी। देखिए मैंने ये सब मिट्टी को ऐसे कर दिया है, खाद जो डाली है ना उसे ढक दिया अच्छे से, तो अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि ग्रोथ तक शुरू हो गई है फ्रेंड, तो अभी मैंने खाद दे दिया तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जल्दी करेगा। तो फ्रेंड आप भी करिए ये काम, ये जरूरी है। अभी हमारे सब पौधे परमानेंट जो पौधे हैं वो अब डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, तो हमें ये करना ज़रूरी है फ्रेंड, तो जल्दी से कर लीजिए, फरवरी में ये काम करना है। फरवरी में कटिंग भी लगा सकते हैं, कोई भी कटिंग, इसका भी कटिंग लगाना है तो अभी लगा सकते हैं, कटिंग भी अच्छे से लग जाएगा, और ये खाद देकर अभी देंगे तो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो फ्रेंड मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बाय।